जाल पार्ट वन उल्लू। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं आज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वेब सीरीज़ की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है एक बुज़ुर्ग आदमी, यानी एक बूढ़ा आदमी जो कि घर का मुखिया भी है और दोस्तों वो एक स्कूल चलाता है। और जो दोस्तों उसका एक ख़ास नौकर है जो बिल्कुल उसके बेटे जैसा है, और उसका नाम एक्चुअली वो हमारे हमने उस वेब सीरीज़ में भी देखा था जाने अनजाने में 5 में, जो कि जीनी जज का भतीजे का रोल प्ले कर रहा था, सेम वही बंदा है जो कि यहाँ नौकर का रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों शुरुआत होती है तो वो दोनों दोस्तों घूम रहे होते हैं ऐसे ही, और ऊपर से बोतल आकर गिरती है। तो दोस्तों वो कहता है कि शायद उसका बेटा है ना शराब पी रहा होगा। तो दोस्तों फिर हमें कट्टू सीन दिखाते हैं कि छत पे आकर क्या चल रहा है। तो दोस्तों छत पे बैठे होते हैं एक लड़का और लड़की, जो दोस्तों पहले तो कह रहे होते हैं कि वो देवर भाभी हैं, कि देवर जी आप ऐसे कीजिए। वो कहता है भाभी जी आप ऐसे कीजिए, और दोस्तों वो बोतल वाला गेम खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों बोतल वाला गेम खेलते खेलते कभी कोई मतलब बोतल जिसकी तरफ हो जाती है उसे कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो दोस्तों वो ऐसे ही कपड़े उतारने में खेल रहे हैं और फिर दोस्तों उनमें सेक्स शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वो जो आदमी है वो उस लड़की को चोट देता है यानी पेल देता है घपाघप। तो दोस्तों इतने में वो नौकर दोस्तों छत पे आता है ये देखने के लिए, मतलब वो कहता है कि मुझे स्कूल जाना है उसके बाप को, तो उसके बेटे को बुलाने के लिए छत के ऊपर जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पे तो घपाघप चालू है। तो वो कहता है कि भैया, तो फिर वो कहता है अबे तुझे कितने बार कहा है कि तू मतलब नीचे से नहीं बोल सकता क्या। बोला भैया मैं हम तो सोच रहे थे कि आप शराब के नशे में हैं, लेकिन आप तो शबाब के नशे में हैं। तो बोला चुप, और उसे वहाँ से भगा देता है। तो वो कहता है भैया तो काफ़ी मज़े में है। तो दोस्तों फिर उसकी पत्नी कहती है कि असल में दोस्तों फिर पता चलता है कि वो पत्नी कहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ये देव और भाभी का नाटक अब मुझसे और नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि उसका पति की मतलब ज़िंदगी में रोमांच होना चाहिए। तो दोस्तों वो एक तरीके का साइको है जो कि अपनी पत्नी के जगह किसी और की पत्नी को सोच के दोस्तों मज़े लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं स्कूल में, यानी कि वो बूढ़ा स्कूल में चला जाता है, और वहाँ पे दोस्तों उसी की एक पीएन टाइप यानी जो नौकरानी टाइप होती है जिसका नाम शायद रानी है, और वो एक्चुअली बताऊँ दोस्तों कौन है, वो है वही लाइव स्ट्रीमिंग और बेकाबू दिल में जो एक्ट्रेस थी वही, और दोस्तों वो उस नौकर की पत्नी है। और दोस्तों फिर वो मतलब वहाँ पे उसके कंधे पे हाथ रख के और अंदर आने लगता है क्योंकि दोस्तों उसके पाँव में थोड़ी दिक्कत है। तो हम देखते हैं कि वो अपनी नौकरानी का दोस्तों चूचे दबा रहा होता है, और ये बात दोस्तों वो भी नोटिस कर लेता है उसका पति जो कि है अपना जाने अनजाने 5 का जो एक्टर था वो वाला बंदा, वो भी उसको नोटिस कर लेता है कि हाँ बूढ़ा मज़े में है। तो दोस्तों फिर वो हमें दिखाते हैं कि उसके पास एक औरत आई हुई है अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। वो काफ़ी खूबसूरत गचमाल था दोस्तों वो जो औरत थी, उसका सीन इतने ज़्यादा नहीं आए। तो दोस्तों वो उसे अपने के साथ ले जाता है वो बूढ़ा। दूसरी तरफ दोस्तों जो नौकर होता है वो मतलब अपने पत्नी से कहता है कि तुम इतने चिपक के क्यों चल रही थी उस बुढ़े से। बोला तुम उस बुढ़े से दूर रहा करो। वो कहती है कि वो तो हमारे पिता समान है। वो कहता है कि पिता समान है लेकिन पिता तो नहीं है। तो दोस्तों फिर यहाँ आता है, फिर दोस्तों वो घर जाता है, घर जाकर देखता है कि उसका दूसरा बेटा दोस्तों उसी के कमरे में घुसकर चोरी कर रहा होता है। तो वो कहता है कि चोर 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 चोर, तब पता चलता है कि उसका खुद का ही बेटा है। तो वो कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई अपने घर में चोरी करते हुए। तो वो कहता है कि आपका बेटा होते हुए भी मुझे आप एक भी रुपया नहीं देते। बोला कुत्ता भी वफादार होता है दोस्तों, उसकी मतलब घर में इज्जत कुत्ते से भी कम है। इस बात पे दोस्तों उसकी बीवी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आपका मतलब कुत्ते की भी लोग इज्जत करते हैं और आप अपने बेटे की इतनी भी इज्जत नहीं करते। बोला नहीं देने वाला मैं एक भी रुपया, ऐसे वैसे करके। तो दोस्तों बाहर से वो फैमिली काफ़ी इज्जतदार लगती है लेकिन उनके घर में ही दोस्तों गृह कलेश और मतलब इज्जत तो तार तार हो रखी है। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं कि जो उसकी नौकरानी थी यानी रानी, वो दोस्तों उसके पास आती है बूढ़े के पास और उसका सेवा में लग जाती है दोस्तों। तो फिर वो कहता है कि जो तुमने अभी तक मुझे सिखाया है मैं उसका प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कमरा बंद कर दो, वो कमरा बंद कर देता है। उसके बाद दोस्तों वो बूढ़ा यानी कि वो बेकाबू दिल वाली एक्ट्रेस है ना उसके मज़े लेने शुरू कर देता है दोस्तों। तो यानी बूढ़ा भी काफ़ी न्यू सेक्सुअल एक्टिव है यानी कि सेक्स का प्यासा है। तो दोस्तों वो उसके साथ मज़े लेना शुरू कर देता है, उसके कहीं हाथ फिराने लगता है और उसे लंड चुसाने लगता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं कि यानी जो बाद में जो चोरी कर रहा था उसकी बीवी और जो पहले वाला साइको जो उसका बेटा था दोस्तों वो आपस में सेक्स कर रहे होते हैं दोस्तों। जहां वो मतलब उसकी देवर भाभी हैं, वहां जहां उसकी असली भाभी है ना दोस्तों,
वो टीचर का रोल प्ले कर रही होती है और वो स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। तो दोस्तों अब यहाँ है ना, उन दोनों का एक तरफ तो चल रहा है दोस्तों उसका बाप बूढ़े बाप का और यानी उसकी नौकरानी का सेक्स, और दूसरे कमरे में चल रहा है दोस्तों देवर भाभी का सेक्स। तो इधर दोस्तों एक और तीसरा बंदा में दिखाते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए है, मतलब एक दूरबीन से उनके हर एक कमरे पे दोस्तों। लेकिन उस भाभी को ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा है, तो दोस्तों वो खिड़की को बंद कर देता है। तो दोस्तों वो किसी के पास कॉल करता है, हमें अभी तक इसके पीछे के मतलब पूरे उसका नहीं पता चला है कि आखिर सबके पीछे है कौन। तो वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली सच में इज्जतदार है। तो दोस्तों इज्जतदार का मतलब शायद कोई घर का ही आदमी है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मतलब होने के बाद सेक्स घपा घप होने के बाद दोस्तों देवर मतलब भाभी है वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर कट टू सीन दोस्तों हम देखते हैं एपिसोड 3, जहाँ एपिसोड 3 में हमें पता चलता है कि उस बूढ़े को मारने के लिए कोई आ जाता है और वो उसका दोस्तों सर के मतलब मुंह पे तकिया रखे और दोस्तों उसके जान ले लेता है और वो बूढ़ा मारा जाता है। फिर दोस्तों पूरे खानदान जमा हो जाता है, हर कोई रो रहा है इधर उधर। तो स्कूल में जाते हैं, जहाँ स्कूल में जाकर हमें पता चलता है कि वो लड़की आई हुई थी जो पहले अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए आई थी, वो भी असल में एक नर्स होती है। तो वो कहती है कि आपके पिता सेक्सुअली एक्टिव थे। तो वो कहता है सेक्सुअली एक्टिव मतलब, वो कहता है कि वो ऐसे करते थे। फिर वो बताती है कि उसके साथ कमरे में क्या क्या हुआ, यानी कि उसका बेटा पास नहीं होता है तो वो मतलब अपने उसी की माँ से मतलब उस लड़की से अपना लंड चुसाता वो बूढ़ा जो पहले अभी मर चुका है। वो कहती है कि आपकी इज्जत तार तार हो जाएगी। तो वो दोस्तों जा रहे होते, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बड़ा भाई है जो घर में चोरी कर रहा था उसकी बेटी भी किडनैप हो जाती है। और किडनैप होने के बाद दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि क्या कुछ होता है मतलब। तो उसके पास लेकिन दोस्तों फ़ोन दूसरे के पास आता है, किडनैप होती है और फ़ोन दूसरे के पास आता है कि तुम्हारे बेटे को मार दूंगा अगर 50 लाख रुपये नहीं मिले तो। वो घर पर आते हैं दोस्तों, लेकिन एक के पास भी एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों उसने बूढ़े ने है ना अपने किसी भी बच्चे को ऑथोरिटी दी ही नहीं रुपए यूज़ करने की, यानी कोई भी यूज़ नहीं कर सकता दोस्तों। उनके पास रुपया है लेकिन वो एक भी रुपया नहीं निकाल सकते क्योंकि उनमें से किसी के भी सिग्नेचर काम नहीं करते। तो दोस्तों वो एक तरीके से नल्ले ही हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर 50 लाख रुपये कहाँ से लाएँ। तो दोस्तों तब हमें पता चलता है जैसे जैसे पत्ते साफ होते हैं कि जो असल में जो बड़े भाई का जो संतान है ना बेटी है वो असल में छोटे भाई की है यानी कि उसकी। तो इस बात से दोस्तों उसकी मतलब देवर की जो पत्नी है उसको भी दुख होता है और मतलब उस बड़े भाई को भी कि तुमने ऐसा किया, वो सज़ा देने लगता है। तब दोस्तों उसकी जो देवरानी है मतलब देवर की पत्नी वो कहती है कि इन्हें ये सज़ा नहीं, इन्हें दूसरी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल नए विले जैसा सीन बन जाता है। वो लड़की दोस्तों अपने जेठ को लेकर कमरे में चली जाती है और जेठ और यानी अपने उसके छोटे भाई के पत्नी के बीच में सेक्स होता है। फिर दोस्तों वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब गिल्ट से मरो, गुलाब सब हिसाब किताब बराबर हो गया। उधर दोस्तों ने नौकर ये सब देखकर मजे ले रहा होता है, शायद इस सब के पीछे नौकर हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों पार्ट 1 का यही ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसी लगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।